तो उसके बाद उनकी दाढ़ी मुबारक और उनके बाल मुबारक जो है वो सफ़ेद ही रहे। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो जिस्म है वो मस्कुलर शेप का और बिल्कुल जैसे एक जवान का होता है 40-45 साल का, उस तरीके से उनका जिस्म बन गया। और इसी तरीके से हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम उस ज़माने के बाद जो भी अदवार गुजरे हैं उसमें, जैसे ही मैंने अहराम मिस्र की आपको मिसाल दी, इस तरह के वाक़यात कसरत से जिसमें कि एक माया तहजीब का जिक्र आजकल भी उसके जो है ना वो निकल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो नवादरात भी आ रही हैं और उसकी तहजीब के हवाले से जो आर्कियोलॉजी में सॉरी जो चीज़ें निकल रही हैं उस हवाले से उसको स्टडी कर रही हैं,